हमें आपसे पूरी हमदर्दी है जहीर साहब, मगर कत्ल एक बहुत बड़ा जुर्म है और आपकी बेटी ने तो दो लोगों का कत्ल किया है। मेरा तो मशवरा आपको यह है कि आप कोई तगड़ा और काबिल वकील करें, कम से कम मुजरिम फांसी से तो बच जाएगा। देखिए जनाब, मेरी बेटी ने तो अपने बचाव में फायर किया था ना, अगर वो ऐसा ना करती तो वो दोनों तो मार देते जान से उसे। आपकी ये बात इन्वेस्टिगेशन में फेवर कर सकती है। इसके अलावा लड़का और लड़की के खून में मंशियात के अज्जा पाए गए, इससे साबित होता है कि वो किस कमाश के थे। फिर भी इन्वेस्टिगेशन तो बनती है ना सर जी। बस मेरी बेटी के साथ बहुत ज्यादती हुई सर, वो मासूम है, आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। देखिए, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जहीर साहब, आप भी अपनी जरा सी कोशिश कर लें। हाँ, वो मैं ये कह रहा था आपसे कि मैं आपको बहुत जल्द रकम पहुंचा दूंगा, 2-3 दिन नहीं। कोई बात नहीं, आप बेशक 4-5 दिन ले लें, हम है ना, आप कोई फिक्र ना करें। अब हम इजाजत चाहते हैं। जी मेहरबान। चलिए। डैड, मैं राहिल से ही शादी करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला। डैड, जिंदगी मुझे गुजारनी है, आपको क्या प्रॉब्लम है? तुमसे मोहब्बत ना होती ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं बेहिस और संगदिल बाप हूं। ये शादी तुम्हें जितना रुलाएगी ना, वो सब कुछ मैंने तुम पे वाज़े कर दिया। डैड, फॉर गॉड सेक, मैं राहिल के साथ खुश रहूंगी, मुझे राहिल पसंद है, राहिल जैसा भी है जो भी है मुझे पसंद है, जिंदगी मैंने उसके साथ गुजारनी है। डैड, अगर अपनी जिद पे अटके रहे ना तो मैं भी कोर्ट मैरिज कर लूं। अब आप देख लो, इज्जत बचानी है या ईगो।